हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट थ्री प्रिंसिपल। हमने थ्री प्रिंसिपल कर लिए थे, आज हम उन तीन प्रिंसिपल से आगे कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने शुरू किया था, हेनरी फ्योर के 14 प्रिंसिपल। हमने जो अब तक प्रिंसिपल किया वो हमने किया, फर्स्ट किया डिवीजन ऑफ वर्क, विच सेज दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड देन इंस्टेड ऑफ गिविंग होल वर्क टू अ पर्सन ओनली ए पार्ट ऑफ वर्क शुड बी गिवन टू अ पर्सन दैट विल एनकरेज एक्सपर्टिज्म स्पेशलाइजेशन एंड क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वर्क। तो काम की क्वालिटी क्वान्टिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, डिविजन ऑफ वर्क। दूसरी चीज़ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल सेज दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट इक्वेट ईच अदर। अगर अथॉरिटी ज़्यादा रहेंगी, अथॉरिटी का मिसयूज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल जो हमने किया था दैट वॉज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, विच सेज देयर मस्ट बी ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल रेपुटेशन के लिए भी अच्छा है, रिसोर्सेज का भी सही यूज होगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल हम आज कर रहे हैं दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को यूँ समझिए कि यहाँ पर पहली चीज़ है, कमांड का मतलब यहाँ पर रहेगा कि आपको किस से आदेश मिल रहे हैं, कौन आपको कमांड कर रहा है ना। और यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल यही कहता है कि ईच एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टुवर्ड ओनली वन सुपीरियर ओनली एट अ टाइम। कि यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपको ऑर्डर हैं, जिस भी तरीके की इंस्ट्रक्शन है, वो सिर्फ एक ही बॉस से मिलनी चाहिए। सिंप्लीफाई अगर इस प्रिंसिपल को कहें तो ये बोला जाता है वन मैन वन बॉस, एक व्यक्ति के ऊपर देयर शुड बी वन इमीडिएट बॉस। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी वन इमीडिएट बॉस, ठीक है। इमीडिएट बॉस जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक पर्सन के ऊपर एक ही टाइम पर, कि ये हमारा सबॉर्डिनेट है, इसको एक ही समय पर एक ही सुपीरियर से, ठीक है, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस मिले और ये इसी की तरफ जो है रिस्पॉन्सिबल हो या अकाउंटेबल हो। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा, अगर एक ही सबॉर्डिनेट है और उसको एक समय पर एक से ज्यादा लोगों से सुपीरियर, ये इसके ऊपर सुपीरियर वन है, ये सुपीरियर टू है, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। क्योंकि उसको किसके ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, किसको वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी रखे, उसको लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए ठीक नहीं जाएगी। सो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहते हो, उनका कॉन्फ्लिक्ट है या इवन सुपीरियर के ईगो क्लैशेज हैं उसको अवॉइड करना चाहते हो, तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। तो देयर शुड बी वन इमीडिएट बॉस और ए सबॉर्डिनेट। तो एक ही इमीडिएट बॉस होना चाहिए कि आप ही कहीं पर काम कर लो, आपको आपका जो भी बॉस है इमीडिएट बॉस वो एक होना चाहिए। बॉस के ऊपर बॉस, वो हायरार्की काम करती रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमीडिएटली आपकी रिपोर्टिंग किसको है, किसको अधिकार है आपसे जवाब मांगने का, कि किससे हमें इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ऑर्डर होनी चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा लोग एक ही समय में अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो सीधी बात है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और किसकी नहीं करो। अगर आप किसी एक की करते हो दूसरे की नहीं करते हो, उनके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि मैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है, अगर आप दोनों की करने की कोशिश करते हो तो आप शायद किसी की भी पूरी तरीके से काम में ना कर पाओ। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल सिर्फ इतना है, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है कि जो भी काम करना है उसको लेकर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड। दो लोग अगर बताने वाले हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगी, काम उतना अच्छा नहीं होगा। सुपीरियर के ईगो क्लैशेस से बचने के लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा सबॉर्डिनेट की रिपोर्टिंग किस सुपीरियर तक है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ होती है कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में नहीं बन पाएगा। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हुआ यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल है जो
लगता है कि इसके जैसा है लेकिन काफी अलग है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है देयर शुड बी वन मैन, ठीक है, वन मैन वन प्लान, एक प्लान के ऊपर एक ही इंचार्ज होना चाहिए। तो एक ही इंचार्ज होना चाहिए, वन प्लान वन इंचार्ज, या मैन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बोला था वन मैन वन बॉस, यहाँ बोल रहे हैं वन प्लान, उसका इंचार्ज किसको होना चाहिए, एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। सेम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दो लोगों को इंचार्ज बनाते हो, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। दोनों अपने तरीके से काम करवाना चाहेंगे, सबसे पहली बात। अगर काम सक्सेसफुल होता है तो दोनों क्रेडिट शेयर करना चाहेंगे, लेकिन अगर काम में फेलियर आती है तो अकाउंटेबिलिटी लेने से दोनों बचेंगे। वन मैन वन प्लान यहाँ पर ये कहता है कि एक प्लान की पूरी जिम्मेदारी, एक ही इंचार्ज होना चाहिए, उसके नीचे कितने भी लोग काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहता है वन हेड वन प्लान कहते हैं इसको। वन हेड वन प्लान का मतलब है कि एक ग्रुप को जिसको कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करना हो उसकी इंचार्जशिप एक ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए, इंचार्ज एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये कहता है एक टाइम पर आप दो के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। तो यह यहाँ पर ये प्रिंसिपल करता है, जबकि यहाँ पर अगर हम कहें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है तो किसी भी तरीके के रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने दो प्रोडक्शन मैनेजर रखे, तो यहाँ पर हर दोनों प्रोडक्शन मैनेजर काम को अपने हिसाब से करवाना चाहेंगे और वहीं पर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। रिसोर्सेज में की यूज में कन्फ्यूजन होगा, अकाउंटेबिलिटी सक्सेस की फेलियर की किस तरीके से हम डिसाइड करें वो सब करने में मुश्किल होगी। ये होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें, यूनिटी ऑफ कमांड है वन मैन वन बॉस प्रिंसिपल, ये है वन प्लान वन इंचार्ज या वन हेड वन प्लान, कि एक प्लान का हेड एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लोगों को वो प्लान के ऊपर काम करने के लिए एक ही पोस्ट पर बोला जाएगा तो कन्फ्यूजन अराइज होता है। इस तरीके में प्रिंसिपल ने कहा कि एक व्यक्ति को दो का सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए, इसमें ये कह रहा है कि एक ही व्यक्ति के पास इंचार्ज होनी चाहिए, अदरवाइज हम रिसोर्सेज को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से यूज़ करें इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ जाएगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इससे सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी या वहीं पर काम खराब होगा, इससे पूरी की पूरी यूनिट के काम या ऑर्गेनाइजेशन के काम पर जो है इफेक्ट आएगा। तो ये हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है विच सेज सबॉर्डिनेशन ऑफ, सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है कि छोटा होना, एक तरीके से सबॉर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए हम दो तरीके के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, पहला मेरा इंटरेस्ट मेरा अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में है, मुझे सैलरी अच्छी मिले, वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक मिले, ट्रेनिंग ठीक मिले, प्रमोशन के लिए ये सब चीज़ें जो हैं सही जाए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा अपना कंफर्ट लेवल, वो सब चीज़ें मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दूसरा है जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का मैक्रो लेवल पर अगर हम फायदा देखें, इकोनॉमी का, समाज का, इनका फायदा हो, वो जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर मैनेजमेंट ये का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा आपको दोनों इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं है दोनों के लिए, लेकिन जब भी बात आए एक को चुनने की, जनरल इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर होने चाहिए। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ, बोला ठीक है मैंने, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको हमेशा किसका सर्विस, उसको हमेशा किससे नीचे रहना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट से। तो जनरल इंटरेस्ट मस्ट बी सुपीरियर एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी सबॉर्डिनेट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी अपनी अथॉरिटी में आपने अपनी कोई लीव ली है अपने किसी भी काम के लिए, पर्सनल काम के लिए, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी ज़रूरत पड़ जाती है उसी दिन पर, और अगर आप नहीं आते हो सेम टाइम पर तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा नुकसान हो सकता है।
अब इस तरीके केसेस में आपने छुट्टी ले रखी है, ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ कह भी नहीं सकता, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पर्सनल काम को छोड़कर वहाँ पर चले जाते हो कि नहीं मैं अपने काम को एक टाइम पर छोड़ देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि हम दो इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, पर जब दोनों में से एक को चुनने की बात आ जाएगी तो हमेशा हमें कौन सा चुनना है, जनरल इंटरेस्ट। हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है उसको हम नीचे ही रखेंगे जनरल इंटरेस्ट से। हम अपनी आर्मी को, डॉक्टर्स को क्यों हम इतना रिगार्ड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली को, पर्सनल टाइम को, अपनी कन्वीनियंस और कंफर्ट लेवल को क्या रखा है, वो कम रखा है, और जो उनकी मेन जिम्मेदारियां हैं समाज की तरफ, देश के प्रति, ह्यूमैनिटी के लिए, उसको ऊपर रखा है। तो ये प्रिंसिपल हर एक बार यही समझाता है कि अगर आप मैनेजर बनने जा रहे हो तो इस चीज़ को सीखना कि आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किससे कम रखना है, जनरल इंटरेस्ट से हमेशा नीचे रखना। आप उनके लिए काम करो लेकिन आपको कई बार पर्सनल लेवल पर सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सबका भला हो इसके लिए। किसी मैनेजर को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी छोड़कर इमीडिएटली जाना पड़ा क्योंकि ऑडिटर्स की तरफ से कोई कॉल थी, ये किसका एग्जांपल है, सिंपल चीज़ है। और जहाँ जहाँ हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बड़ा बना लेते हैं वही तो कहीं ना कहीं करप्शन की बात आएगी। इसका एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि आपकी कंपनी का कोई टेंडर था, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने अपने किसी रिलेटिव को दिला दिया जो बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें बहुत हाई प्राइस पर कंपनी को बेचना चाहता है, अब यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा प्रिंसिपल गया, यही तो गया, क्योंकि उसने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से ऊपर रखा। तो एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने का हेनरी फ्योर ये देखते हैं कि एक अच्छा मैनेजर हमेशा जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखेगा अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, और जो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कहीं ना कहीं करप्शन कर ही रहे हैं। तो आज हमने पहले तीन प्रिंसिपल जो किए हैं पहले एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड जो ये कह रहा है कि एक समय में एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी प्लान बनाओ उसका इंचार्ज एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि दोनों इंटरेस्ट के लिए काम करिए लेकिन दोनों में से एक चुनना पड़े तो जनरल इंटरेस्ट जो है वो हमारा ज़्यादा सुपीरियर होना चाहिए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट रहेगा जनरल इंटरेस्ट से। इस प्रिंसिपल में कहीं पर भी आप जो हेनरी फ्योर सॉरी वो ये नहीं करते हैं कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करोगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि दोनों में से एक चुनना पड़े तो कौन सा इंटरेस्ट चूज करा जाएगा, जनरल इंटरेस्ट। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की रेपुटेशन भी बढ़ती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन भी अच्छे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज का अच्छा यूज होता है। वॉयलेशन इफेक्ट इससे अपोजिट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन क्या होता है, एम्प्लॉयज को अपने काम के बदले में जो भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सैलरी, वेजेस, कॉम्पनसेशन, उसको हम कह रहे हैं रेम्यूनरेशन। ये प्रिंसिपल है एम्प्लॉयज के बारे में। हेनरी फ्लेवर बीइंग मैनेजर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एम्प्लॉयज काम जो कर रहे हैं उनका पहला कंसर्न जो है उनकी अपनी सैलरी, वेजेस, जो भी उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है काम के लिए वो रहता है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज के प्रिंसिपल में वो यही कहते हैं कि सैलरी वेजेस जो है या रेम्यूनरेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए वर्ड यूज हुआ फेयर एंड एडिक्वेट। वो यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि सैलरी ज़्यादा देनी है कम देनी है, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बोथ कि प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो भी सैलरी या वेजेस अपने एम्प्लॉयज को देनी है वो फेयर और एडिक्वेट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय को भी अपनी सैलरी कम अपने काम के हिसाब से ना लगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो सैलरी बहुत कम या ज़्यादा होनी चाहिए, ये दोनों ही के लिए फेयर और एडिक्वेट होनी चाहिए। देखिए अगर आप सैलरी फेयर और एडिक्वेटली नहीं दे रहे हो जिस हिसाब से आपके एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंगली आप पे नहीं कर रहे हो, उससे कम पे कर रहे हो, कहीं ना कहीं लेबर टर्नओवर बढ़ेगी, वो एम्प्लॉय आपको छोड़कर जाएगा ही। तो ये रीज़न हो सकता है आप फ्यूचर में अच्छे एम्प्लॉयज खो देंगे, या फिर वो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काम तो करता रहे लेकिन वो अपनी एफिशिएंसी का बेस्ट ना दें या करप्शन करने की कोशिश करें। उन सब चीज़ों का एक बड़ा रीज़न
कि कोई अपना काम ईमानदारी से ना करे या उतनी एफिशिएंसी से ना करे जितना वो कर सकता है, या अच्छा ट्रीटमेंट के बाद भी जॉब छोड़ना चाहता है, उसका एक बहुत बड़ा हुआ रीज़न रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। और अगर ये तो कोई कम की बात है, लेकिन अगर हम लोगों को उनकी कैपेबिलिटी से, एजुकेशन और एक्सपीरियंस से ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, ये भी कहीं पर फेवर में नहीं जाएगी मैनेजमेंट के। क्यों नहीं जाएगी? आप अपनी कॉस्ट अननेसेसरीली बढ़ा लोगे, इतना एम्प्लॉयज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, आप अपनी कॉस्ट बढ़ा लेते हो। दूसरी तरफ है, बिना काम किए ही जब एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी मिल रही है तो उनके लिए चैलेंज ज़्यादा अच्छा काम करने का ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ट्रू एंड सॉरी फेयर एंड एडुकेट जो है वो आपका कंपनसेशन प्लान होना चाहिए। इस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि बिल्कुल सही तरीके से, रीजनेबल तरीके से आप उनको उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके लिए पे कर रहे हो। तो ये हमारा सेवंथ प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को फेयरली और एडुकेटली पे कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे? सबसे पहले देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गोल के बीच में रहेगा आपका। फिर इसके बाद है रेमुनरेशन, अगर आप सही दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेट भी उतनी आपकी ज़्यादा नहीं आएगी। उसके बाद होती है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा फोकस्ड और लॉयल्टी से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऑपोजिट हो गए कि एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो बढ़ेगी, आप एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी के लेवल को खो दोगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करने के लिए छोड़ता जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है, देखिए ये प्रिंसिपल अकेला अगर हम फॉलो नहीं करते हैं देन इट विल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। आपके रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट होता है नए लोगों को लेकर आना, भर्ती करना, तो रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन के ट्रेनिंग के कॉस्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें हमारी रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़ वाले में, जैसे पिछले प्रिंसिपल में हमने कहा कि हम जब जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स के बीच में हमें बैलेंस बनाना होता है, सेम यहाँ पर अगर सैलरी ज़्यादा दे रहे हो नहीं दे रहे हो उस चीज़ की बात होती है। अगर हम बहुत कम दे रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे। ये सारे प्रिंसिपल में गए रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जाता है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, देखिए सबसे पहले इनका मतलब समझ लीजिए। हेनरी फ्योल ने ही बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को। उन्होंने कहा एवरी दैट स्टेप व्हिच इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट, हर वो कदम ऑर्गेनाइजेशन में जिसके कारण नीचे आने वाले लोगों का, सबॉर्डिनेट्स का रोल बढ़ना शुरू हो जाए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, सबॉर्डिनेट्स का रोल बड़ा हो रहा है एंड एवरी दैट स्टेप दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग इट दैट इज सेंट्रलाइजेशन। हर वो कदम जिसके कारण आपके सुपीरियर का रोल बड़ा हो जाए, कि सभी तरीके के डिसीजन जो हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब सुपीरियर जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसके रोल का बड़ा होना, सुपीरियर के रोल का बड़ा होना, और डिसेंट्रलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट जो है कहीं ना कहीं उसके कद का बढ़ना, वो उसको ज़्यादा अथॉरिटी मिलना, डिसीजन लेने की ज़्यादा पावर मिलना, ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है। अब कौन सी प्रोसेस अच्छी है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस जो है वो हम अच्छी मानेंगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के, इसके बारे में हेनरी फ्योल प्रिंसिपल कहते हैं कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ के बोला मैनेजमेंट इज रियली एन आर्ट ऑफ लर्निंग व्हाट टू सेंट्रलाइज एंड व्हाट नॉट टू। मैनेजमेंट पूरी ये समझने की कला है कि क्या चीज़ सेंट्रलाइज करी जानी चाहिए और क्या नहीं करी जानी चाहिए, यानी कि जो आपके बहुत स्ट्रेटेजिक और सिग्निफिकेंस काम हैं उनको आपको सेंट्रलाइज लेवल पर रखना चाहिए, जो रूटीन नेचर के काम हैं उनको हम क्या कर देते हैं सिस्टमेटिकली डिसेंट्रलाइज। आप एक छोटे शोरूम का ही एग्जांपल लीजिए, शोरूम के अंदर देखिए, शोरूम में जो बाकी सारा काम है अंदर, कस्टमर को चीज़ें दिखाना, उनको पसंद कराना, उनको ट्रीट करना, उनके साथ नेगोशिएट करना, डिस्काउंट वगैरह बार्गेनिंग, वो सारे काम क्या हैं आपने स्टाफ के हिस्से छोड़ दिए, उनको डेकोरेट करना है चीज़ों को, वो सब चीज़ें उनको डिस्क्राइब करना, वो सब आपका स्टाफ देख रहा है। लेकिन काउंटर पर जहाँ बिलिंग हो रही है वहाँ पर आप ऑनर को, मालिक को बैठे हुए देखते हो, ये चीज़ है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने नौकर को तो काउंटर पर बिठा रहे हो और आप अंदर कस्टमर को जो है
वर्ल्ड अटेंड कर रहे हो, वो तो नहीं होगा ना। उसकी सिंपल सी प्रैक्टिस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट टू सेंट्रलाइज एंड व्हाट नॉट टू डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें सेंट्रलाइज करी जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की चीज़ें हैं उनको सेंटर के लेवल पर जाए, जो रूटीन नेचर के काम है उनको डिसेंट्रलाइजेशन। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करते हो, सारे ही काम आपने सोचते हो बॉस करे सुपीरियर करे, उस केस में क्या होगा, काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, आप सारे ही काम को कैसे करोगे। डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपके स्टैंडर्ड से जो डिसीजन का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, वो गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आपने जो है वो सबॉर्डिनेट के लेवल पर छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हेनरी फ्लोर कहते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा होना भी गलत है और डिसेंट्रलाइजेशन का, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के डिसीजन को डिसेंट्रलाइज कर देते हो, डिसीजन की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सारी चीज़ें सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर रख लो, नॉर्मल रूटीन नेचर के काम को भी, वर्क बर्डन बढ़ जाएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट यही होंगे। अगर हमने सही तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बना कर रखा है, इंपॉर्टेंट काम अपने सुपीरियर के पास और रूटीन के काम, रेगुलर नेचर के काम, कॉन्टीन्यूटी वाले काम जो है नीचे के लेवल पर, तो काम हमारे वर्क परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। टोटल 14 प्रिंसिपल हैं, आज हम यहीं तक कर रहे हैं, हमारे 8 प्रिंसिपल हो गए। 3 प्रिंसिपल हमने पिछले सेशन में किए, आज हमारे 5 प्रिंसिपल और हो गए हैं, और ये केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन प्रिंसिपल को जब पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिस और करिए कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको पहले पढ़िए और प्रिंसिपल का जो हैडिंग है उसको बाद में। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रैंडमली पढ़िए और देखिए कि आप उस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। शुरू शुरू में ये प्रैक्टिसेस आपको लगता है कि बहुत टाइम लेंगी, लेकिन इससे आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, हमारे 8 प्रिंसिपल जो हैं वो पूरे हो गए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा हमने किया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, और ये हमारा चीज़ हुई रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल जो है हमने आज किए। आज के लिए इतना ही, इसको सही तरीके से पढ़िए और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते रहिए। थैंक यू।